वाली 15 तारीख से सरसों और गेहूं की हरियाणा के अंदर जो परचेज है वो शुरू होने वाली है। मैं सभी अब किसान भाइयों से, सभी मजदूर भाइयों से, सभी व्यापारी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि संगठित होकर, एक होकर हम सब ने ये काम करना है, क्योंकि ये कोरोना जैसे अभूतपूर्व बीमारी का संकट है, सारी दुनिया इससे त्रस्त है और इस मौसम में किसानों की फसल को खरीद कर हमें किसानों की सहायता करनी है और देश के अंदर जो खाद्यान्न भंडार हैं उसको भी भरना है। इसीलिए हमने इस बार थोड़ा सा अलग सिस्टम किया हुआ है। गेहूं की परचेज के लिए 2000 नए सेंटर स्थापित किए हैं, सरसों के लिए हमने लगभग 250 परचेज सेंटर स्थापित किए हैं और सारा का सारा प्रशासन, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, SDM हो, फूड एंड सप्लाई के अधिकारी हों, तहसीलदार हों या मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी हों, वेयर हाउसिंग के हों, एफेड के हों, सब मिलजुल करके इस काम में योगदान देंगे और ये कलेक्टिव हमारी सबकी कोशिश है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही स्मूथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बगैर भीड़ भाड़ के कोरोना ना फैले इसका ध्यान रखते हुए सारी मंडियां हम चलाएंगे। मैं खुद भी लगभग 4-5 दिन तक हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ की मंडियों में जाऊंगा, सारी व्यवस्था कुछ देखूंगा और अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिए हैं कि सब मंडियों में बिजली की व्यवस्था हो, कांटा तुलाई का सब चेक हो जाए, पानी की सही व्यवस्था हो, कंप्यूटर वहाँ नेटवर्क चलता रहे और जो हमारे मजदूर भाई हैं जितने भी संभव हो सके वहाँ उनकी व्यवस्था हो और आड़ती भाई वहाँ पर बैठ के किसान की फसल को खरीद के सरकार के गोदाम तक पहुँचाने में जो मजदूर की ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करें। किसान भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि अपनी ट्रॉली या जो भी गेहूं या सरसों लेके जाएं, अपने ही गांव से 2-4-5 जो भी मजदूर ले जा सकते हैं उनको वहां पर मंडी तक लेके जाएं ताकि आपकी फसल जल्दी से जल्दी ढुलाई हो सके, पैकिंग हो सके, पैकेजिंग होके गोदाम तक चली जा सके। मंडी के अंदर हमने सैनिटाइज़र का, मास्क का और दूसरी चीज़ों का जो ज़रूरत है पूरी व्यवस्था की हुई है। आपको मंडी में किसी भी तरह की बगैर भीड़ भाड़ किए दिक्कत नहीं आने देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पहले से भी अच्छे ढंग से आपकी जो है फसल की इस बार खरीद होगी। हर रोज़ हमने पहले एक फैसला किया है कि 100 किसानों को बुलाएंगे, 50 किसान दोपहर से पहले, 50 किसान दोपहर के बाद और उनका सारा माल कोशिश करेंगे कि हर रोज़ तुलाई करके सफाई होके रोज़ की रोज़ उठ के गोदाम तक पहुंच जाए। कम ज़्यादा की अगर भीड़ भाड़ होगी तो इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप सब भाइयों से मेरा प्रार्थना है, व्यापारी भाइयों से, मजदूर भाइयों से, किसान भाइयों से कि इस एक महीने के वक्त में लग के इसमें भी हमने सफलता पानी है और कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ने में भी सफलता पानी है और किसी भी तरह की दिक्कत समाज के किसी की भी अंग को कानून का पालन करते हुए हमने सारी चीज़ों का समाधान करना है। धन्यवाद। आने वाली 15 तारीख से सरसों और गेहूं की हरियाणा के अंदर जो परचेज है वो शुरू होने वाली है। मैं सभी अब किसान भाइयों से, सभी मजदूर भाइयों से, सभी व्यापारी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि संगठित होकर, एक होकर हम सब ने ये काम करना है, क्योंकि ये कोरोना जैसे अभूतपूर्व बीमारी का संकट है, सारी दुनिया इससे त्रस्त है और इस मौसम में किसानों की फसल को खरीद कर हमें किसानों की सहायता करनी है और देश के अंदर जो खाद्यान्न भंडार हैं उसको भी भरना है। तो इसीलिए हमने इस बार थोड़ा सा अलग सिस्टम किया हुआ है। गेहूं की परचेज के लिए 2000 नए सेंटर स्थापित किए हैं, सरसों के लिए हमने लगभग 250 परचेज सेंटर स्थापित किए हैं और सारा का सारा प्रशासन,
चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, SDM हो, फूड एंड सप्लाई के अधिकारी हों, तहसीलदार हों या मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी हों, वेयर हाउसिंग के हों, एफेड के हों, सब मिलजुल करके इस काम में योगदान देंगे और ये कलेक्टिव हमारी सबकी कोशिश है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही स्मूथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बगैर भीड़ भाड़ के कोरोना ना फैले इसका ध्यान रखते हुए सारी मंडियां हम चलाएंगे। मैं खुद भी लगभग 4-5 दिन तक हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ की मंडियों में जाऊंगा, सारी व्यवस्था कुछ देखूंगा और अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिए हैं कि सब मंडियों में बिजली की व्यवस्था हो, कांटा तुलाई का सब चेक हो जाए, पानी की सही व्यवस्था हो, कंप्यूटर वहाँ नेटवर्क चलता रहे और जो हमारे मजदूर भाई हैं जितने भी संभव हो सके वहाँ उनकी व्यवस्था हो और आड़ती भाई वहाँ पर बैठ के किसान की फसल को खरीद के सरकार के गोदाम तक पहुँचाने में जो मजदूर की ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करें। किसान भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि अपनी ट्रॉली या जो भी गेहूं या सरसों लेके जाएं, अपने ही गांव से 2-4-5 जो भी मजदूर ले जा सकते हैं उनको वहां पर मंडी तक लेके जाएं ताकि आपकी फसल जल्दी से जल्दी ढुलाई हो सके, पैकिंग हो सके, पैकेजिंग होके गोदाम तक चली जा सके। मंडी के अंदर हमने सैनिटाइजर का, मास्क का और दूसरी चीज़ों का जो ज़रूरत है पूरी व्यवस्था की हुई है। आपको मंडी में किसी भी तरह की बगैर भीड़ भाड़ की दिक्कत नहीं आने देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पहले से भी अच्छे ढंग से आपकी जो है फसल की इस बार खरीद होगी। हर रोज़ हमने पहले एक फैसला किया है कि 100 किसानों को बुलाएंगे, 50 किसान दोपहर से पहले, 50 किसान दोपहर के बाद और उनका सारा माल कोशिश करेंगे कि हर रोज़ तुलाई करके सफाई होके रोज़ की रोज़ उठ के गोदाम तक पहुंच जाए। कम ज़्यादा की अगर भीड़ भाड़ होगी तो इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप सब भाइयों से मेरा प्रार्थना है, व्यापारी भाइयों से, मजदूर भाइयों से, किसान भाइयों से कि इस एक महीने के वक्त में लग के इसमें भी हमने सफलता पानी है और कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ने में भी सफलता पानी है और किसी भी तरह की दिक्कत समाज के किसी की भी अंग को कानून का पालन करते हुए हमने सारी चीज़ों का समाधान करना है। धन्यवाद।